हेलो अरुण, उम्मीद करता हूँ लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी जिसमें मैकेनिकल वालों के लिए हमने शेड्यूल सेट किया था इंजीनियरिंग सर्विसेज का, वो कुछ हेल्पफुल आपके लिए होगा। और उसी शेड्यूल को आप नेक्स्ट ईयर ईएससी के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट वो शेड्यूल आपका लास्ट के 135 डेज के लिए ही रहेगा। उससे पहले जो आपकी तैयारी है वो फुल फ्लेज एक एक सब्जेक्ट आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स की जो उन्होंने उस वीडियो के कमेंट में डाली है, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इंसान का, सर ईएससी के ईएससी बिना कैलकुलेटर होता है, देन हाउ टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हाउ टू मैनेज हैंड कैलकुलेशंस, प्लीज रिप्लाई। देखिए यार, कैलकुलेशन से रिलेटेड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दो चीज है। एक तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं आएगी, बिकॉज इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम, उनको भी पता कैलकुलेटर यूज नहीं होगा। दूसरा कि कुछ क्वेश्चंस में इंटेंशनली वो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट देते हैं ताकि स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो। जब भी आप वो एग्जाम दे रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विस का, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका नॉलेज चेक कर रहे हैं, वो आपका ओवरऑल मैनेजमेंट स्किल्स भी चेक करते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको पता है कि बहुत ईजी है, बट कैलकुलेशन में 4 से 5 मिनट चला जाएगा, वो क्वेश्चन लगाया ही इसलिए जाता है कि बच्चे की स्पीड को ब्रेक लगे, ठीक है। वो चीज आप अगर नहीं समझ पाएंगे तो थोड़े से मार्क खा जाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे जो देख के ही पता चल रहा हो तो जाएगा, बट बहुत टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, वो आपको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन डाले ही स्किप करने के लिए जाते हैं, तो आप उनकी उनका जो चाल है, खेल है बैकग्राउंड में, वो समझिए। और कैलकुलेशन आप ज्यादा टेंशन ना लीजिए। कोई कहता है कि कैलकुलेशन में बहुत ट्रिक्स यूज करने, ये करना वो करना है, भाई मेरे ट्रिक्स के चक्कर मत पड़िएगा, क्योंकि ट्रिक से कभी भी कोई एग्जाम नहीं निकलता है। जो एग्जाम निकलते हैं वो आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, आपका करने का क्वेश्चन करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर आपने सिर्फ तो प्लान प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग दिया है, बट प्री और मेंस में टाइम कम है, सो मेंस की तैयारी से रिलेटेड इनको डाउट है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अलॉटेड टाइम सब्जेक्ट के लिए उतना तो सफिशियंट नहीं होगा मेंस के हिसाब से, प्रीलिम्स तो ऑफलाइन है, इनका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड भी इशू है। देखिए पहली चीज, मेंस की तैयारी आपकी बहुत इजीली 3 महीने में हो जाएगी, इनकेस आपकी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी नहीं है तो मेंस की तैयारी नहीं हो पाएगी, और अगर आपका प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ तो आप मेंस से बैठ ही नहीं पाएंगे, तैयारी करके क्या करेंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, दो दो नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका इसका कहां मतलब ये है कि आप सिर्फ दो नंबर के ही क्वेश्चन कर पाएंगे, आप कभी कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। भाई कॉन्सेप्ट तो वही रहता है ना क्वेश्चन का, एक लेंथी क्वेश्चन है जो 10 नंबर का है, 5 नंबर का है, 20 नंबर का है, उसी के 4-5 टुकड़े करके अलग अलग दो दो नंबर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर वो सारे टुकड़े आप अच्छे से जोड़ने आते हैं, अगर वो सारे टुकड़े आप दो दो नंबर के क्वेश्चन सारे कर पाते हैं, तो एक बड़ा क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपका प्रैक्टिस का डिफरेंस आ जाता है, पहले आपने प्रैक्टिस टुकड़ों में करिए, फिर आपने प्रैक्टिस बड़े क्वेश्चन की एक साथ करिए। अब उन पर्टिकुलर दो चीज में कॉन्सेप्ट तो कॉमन रहेगा, ठीक है। तो आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट तो तब भी डेवलप हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप प्रीलिम्स देके और फिर एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे मेंस की तैयारी, ठीक है। तो प्रीलिम्स आपका बहुत अच्छा है तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा, और प्रीलिम्स निकल जाता है इसका मतलब है आपके कॉन्सेप्ट कुछ लेवल के हैं कि आप मेंस उस ड्यूरेशन में कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी से मेंस को अपने तैयारी में ना डालें, कृपया करके प्रीलिम्स पे ध्यान दें, ठीक है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज का इशू है, प्रेफरेंस मैं भी कह रहा हूँ कि आपको ऑफलाइन ही रखनी है। अगर किसी वजह से आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे तो फिर आप ऑनलाइन पे जाएंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो देनी है। हाँ, ऑनलाइन जब आप टेस्ट सीरीज देंगे तो ओएमआर शीट्स जो होती है उनके प्रिंट आउट्स आप ले लेंगे, उसी में आंसर आप मार्क करने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदर दिस टेस्ट सीरीज आर टू बी ओनली ईएस स्पेसिफिक और गेट दो भी ले सकते हैं। देखिए जो टेस्ट मैंने बताए थे आपको प्रीवियस वीडियो में कि ये पर्टिकुलर टेस्ट आपको यूज करने हैं, यहाँ पे आपको टेस्ट देना है, इस सब्जेक्ट के बाद टेस्ट देना है, इस दिन आपको ये टेस्ट देना है, इस दिन आपको ये टेस्ट देना है, ये आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देनी है। वो सारे टेस्ट मैंने सिर्फ आपको टाइम फ्रेम दिया कि इस पर्टिकुलर टाइम में आपको ये सब्जेक्ट का टेस्ट देना है। वो टेस्ट आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड भी हो सकता है और गेट रिलेटेड भी टेस्ट हो सकता है, आप जो मर्जी टेस्ट दे सकते हैं। ऑफ कोर्स जीएस का जो टेस्ट हो तो जीएस का ही रहेगा, टेक्निकल टेस्ट जो है वो आप जो मर्जी देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल टेस्ट में आपके साथ कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस आपका फॉर्मूलाज और जो यूज होंगे वो सारे आपका कॉन्सेप्ट यूज
अच्छा करवाएंगे। अगर आपने सिर्फ गेट स्पेसिफिक टेस्ट किए तो भी आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होने वाले हैं, अगर हमने सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज के स्पेसिफिक क्वेश्चंस किए तो भी आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। बट मैंने जो टेस्ट सेट किए बहुत सारे किए, तो आपको मिक्सअप कॉम्बिनेशन यूज करना ही पड़ेगा, ऐसा आपके पास इतने सारे टेस्ट अवेलेबल होंगे ही नहीं, ठीक है। और गेट के क्वेश्चन मैं प्रेफर करूंगा आप यूज करें। फिर बच्चों का नेक्स्ट डाउट आता है कि जब हम गेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम कैलकुलेटर यूज करें या ना करें। देखिए भाई, जब मैं कह रहा हूँ गेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उस पर्टिकुलर चीज में मैं बैक ऑफ माइंड मेरे ये चल रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो जब आप गेट के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल एंड टेस्ट देते टाइम एनालिसिस का स्लॉट नहीं दिया गया, एक बच्चे को डाउट है। हाँ, मैं इंटेंशनली वो स्लॉट नहीं दिया है क्योंकि फिफ्थ जो रिवीजन है उसमें मैंने फुल एंड टेस्ट डाले हैं, और मैं मान के चल रहा हूं कि अगर पहली चार रिवीजन और पहले चार जो राउंड है वो आपने बहुत शिद्दत से किए होंगे तो पांचवें जब रिवीजन आपकी चल रही होगी तो आपको वो एनालिसिस का जो टाइम है वो रिक्वायर्ड ही नहीं होगा। होगा तो मैक्सिमम आधा घंटा पौना घंटा, मैक्सिमम पौना घंटा, नहीं तो आधे घंटे में हो जाएगा। भाई इतना सब पढ़ने के बाद अगर आपके मोर देन 50% क्वेश्चंस रह जाते हैं, आप नहीं कर पा रहे, एनालिसिस करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आपको तैयारी पे ध्यान देने की जरूरत है। बिकॉज पांचवें राउंड में जाके एनालिसिस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपने चार राउंड शिद्दत से किए हैं, ठीक है। एनालिसिस में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन गलत हुए वही देखने हैं ना सिर्फ, और उसमें सिर्फ ये देखना है कि सॉल्यूशन क्या है और आपने क्या किया था, वो डिफरेंस ऑब्जर्व करना है। और अगर वो डिफरेंस ऐसा कि आपको ध्यान होना चाहिए इन फ्यूचर, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके किसी फोल्डर में रख लेना है। इसमें ज्यादा टाइम मेरे हिसाब से नहीं लगेगा एनालिसिस में। और जिस इंसान को लगता है कि कई बार मेरे पास स्टूडेंट्स कॉल आते हैं कि मेरे को चार घंटे लग जाते हैं एनालिसिस में, भाई तीन घंटे का तो पेपर होता है, एनालिसिस में चार घंटे किस चीज के लगा दिए मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको एनालिसिस के लिए टाइम चाहिए तो उसमें इवनिंग में दो घंटे और मॉर्निंग में तीन घंटे मैंने रखे हैं, जिसमें फॉर्मूलाज रखे हैं और मैथ और एप्टीट्यूड रखे हैं, तो आप उनका टाइम खा सकते हैं और अपना एनालिसिस पे टाइम खराब कर सकते हैं। चलिए, एक बच्चा कह रहा है कि इसको जॉब के साथ 9 से 7 तक इसकी जॉब है, उसमें इसको तैयारी करनी है। भाई जब आपकी 9 से 7 जॉब है तो मतलब आप कहीं ना कहीं 8 बजे तो कम से कम उठेंगे, तभी आप 9 बजे ऑफिस जा पाएंगे, और 7 बजे ऑफिस से छूटेंगे तो शाम को 8 PM के बाद ही आपके पास टाइम रहेगा। और मैं मान के चलता हूँ कि 7 घंटे तो आप मिनिमम सोएंगे, इसके बीच में आपके पास 12 घंटे हैं जिनमें से 7 आवर्स आप सो जाएंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मेहनत मारेंगे तो मे बी 6 आवर्स आप सो लेंगे, बट मैं प्रेफर करूंगा आप 7 घंटे सोइए, क्योंकि पूरे साल आप ये शेड्यूल मेंटेन नहीं कर पाएंगे। 7 घंटे के बाद आपके पास बचते 5 आवर, 5 आवर में से 1 घंटा नहाने खाने धोने का और इन सब का चला जाएगा, बचते आपके पास 4 आवर। ये 4 आवर आप इफेक्टिवली यूज करेंगे तो 1 साल की तैयारी में शायद सिलेक्शन हो सकता है। बहुत लोग हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, ठीक है। और ये 7 घंटे जो स्लीप के हैं उनको कभी 6 रख लो, कभी 7 रख लो, 6 और 7 के बीच में वेरी करेंगे, तो आपकी स्टडीज डेली बेसिस पे 4 to 5 आवर वेरी कर जाएगी। अब ये 4 से 5 घंटे चाहे आप मॉर्निंग में रख लें, चाहे आप इवनिंग में रख लें ऑफिस से आने के बाद। हाँ, ऑफिस टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं PDFs अपनी शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने वाली, तो बीच में ऑफिस में अगर टाइम मिलता है तो वहां आपने आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना टाइम टेबल और शेड्यूल सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ इतने ही क्वेश्चन थे जो मेजर मुझे लगे कि क्वेरीज स्टूडेंट की हो सकती है। और भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी और तैयारी से रिलेटेड या फिर कुछ और आप स्पेशल रिक्वेस्ट आपके है वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोशिश रहेगी कि अगर कोई जेन्युइन सा क्वेश्चन है तो वीडियो के थ्रू ले लिया जाए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।